नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो 24 इंच की एलईडी टीवी और इसमें पावर सप्लाई यदि पूरी तरह से जल जाए या शॉर्ट हो जाए तो किस तरह से उसको रिपेयर करते हैं, हम इसको आज सीखेंगे। इसमें तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस तरह से फॉल्ट को निकाला जाता है। और तो इसके लिए सीरीज बोर्ड ये हमने यहाँ पर लगा लिया है, और जब शॉर्ट सर्किट हो या हमारा पावर सप्लाई का फ्यूज कट गया हो तो बिना सीरीज बोर्ड के चेक नहीं करना चाहिए। यदि बिना सीरीज बोर्ड के चेक करेंगे तो उसमें शॉर्टिंग रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी और भी शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। इसके लिए जब भी चेक करें तो सीरीज बोर्ड से ही चेक करें। तो सबसे पहले इसमें एसी 220 वोल्ट देखते हैं कि हमारा इनपुट हो रहा है कि नहीं। इसी तरीके से हमें कोई भी सेट हो चेक किया जाता है, तो इसमें हमारा एसी इनपुट हो रहा है। और जो इसमें मेन फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ होता है जिसपे हमारा 300 वोल्ट आना चाहिए डीसी सप्लाई, उसके बाद हमें उसको चेक करते हैं। तो इसमें डीसी सप्लाई हमारी कुछ भी नहीं आ रही है, तो इसके बीच में जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं अब हमको वहाँ पर चेक करना है। अब बीच में हमारा एक फ्यूज लगा हुआ होता है और एक कॉइल लगी होती है जो एसी फिल्टर का काम करती है, वो भी ख़राब हो सकती है या हमारा फ्यूज ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए हम चेक करते हैं क्या ख़राब है। तो इस बोर्ड को हम खोल के चेक करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक फ्यूज लगा होता है, तो सबसे पहले इसे मीटर से चेक करेंगे, क्योंकि ये लगा हुआ रहेगा तब भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो जब इसमें मीटर से ये पता चलेगी ये ख़राब है तभी इसको निकालें बाहर। इसे चेक करने के लिए मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज में रख के चेक करेंगे तो ये कुछ भी वैल्यू नहीं दिखा रही है, तो ये फ्यूज हमारा ख़राब है। तो अब इसको निकाल कर हम दूसरा लगा के फिर चेक करते हैं कि हमारी सप्लाई। कहाँ सब जाती है और कहाँ नहीं जाती है। तो ये फ्यूज को हमने बाहर निकाल लिया है और फिर से इसको कंटिन्यूटी में चेक करके देख लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये फ्यूज हमारा कट चुका है, ये बीच से ओपन हो चुका है। इसके लिए हमें फ्यूज दूसरा लगाना पड़ेगा। यदि ये सेम फ्यूज ना हो तो आप कोई भी फ्यूज इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 एम्पियर 5 एम्पियर तक, उससे ज़्यादा ना लगाएं। तो अब इसमें आप देख सकते हैं ये 3.5 एम्पियर का फ्यूज है, आपको बहुत कम दिखाई देता होगा इसमें कैमरे में। तो इसके स्थान पर हम 2.2 ओम का रेजिस्टेंस 1 वाट का लगाएंगे। इसमें 1 ओम का भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस इसमें लगाएंगे तो वो जल जाएगा। तो अब हमने फ्यूज को लगा लिया, अब फिर से हम इसको सप्लाई देके देखेंगे कि हमारा फॉल्ट सही हुआ या नहीं हुआ। तो ये सीरीज बोर्ड में हमेशा ध्यान रखें कि सीरीज बोर्ड में ही लगाएं। देखिए हमने सीरीज बोर्ड में लगाया और ये बल्ब हमारी पूरी ग्लो हो गई है, इसका मतलब इसमें अभी शॉर्ट सर्किट है। अब इसमें या तो रेक्टिफायर शॉर्ट हो सकता है या हमारा एसटीआर शॉर्ट हो सकता है या हमारा 300 वोल्ट का कैपेसिटर जो 450 वोल्ट का है वो शॉर्ट हो सकता है। तब इसके लिए हम इसको सबसे पहले इसमें से अलग कर लेंगे और टीवी से इसको बाहर निकाल लेंगे, तब इसको
चेक कर पाएंगे। हम टीवी को हटा देते हैं यहाँ से, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि इसमें किस तरह की शॉर्टिंग है और उसको कैसे दूर किया जाता है। अब ये हमारा कैम्बो बोर्ड है, कोई भी कैम्बो बोर्ड हो या कोई भी SMPS की सप्लाई हो, उसको इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो मीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में रख करके इसको शॉर्ट सर्किट चेक करेंगे। और ये सबसे पहले इस डायोड को चेक करेंगे चारों को बारी बारी से, यदि कोई भी शॉर्ट रहेगा तो ये बीप की आवाज़ आएगी और 0 ohms इसमें दिखाएगा, तो वो तो शॉर्ट नहीं है। और ये एक PF लगा हुआ होता है, ये भी हमारा शॉर्टिंग नहीं है। तो अब इसको और आगे चेक करेंगे। अब ये हमारा STR हो गया, ये STR ही अधिक शॉर्टिंग होता है। तो इसको देखिए, इसमें शॉर्टिंग दिखा रहा है। ये हमारा कलेक्टर और एमीटर पूरी तरह से शॉर्ट है और ये बेस है, ये हमारा शॉर्ट बता रहा है मीटर में। तो और भी जितने इसमें, अब ये एक पार्ट इसमें शॉर्ट मीटर में आ रहा है, तो इसमें और भी पार्ट शॉर्ट बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो जब हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो उसके बाद ही बाकी की शॉर्टिंग को हमें पता चलेगा और ये किस कारण से शॉर्ट हुआ ये भी आपको बताएंगे। ये कभी कभी AC बोल्ट बहुत ज़्यादा देने से ये शॉर्ट हो जाता है, या और कभी कभी फिल्टर कैपेसिटर हमारा जब ख़राब होता है तब भी ये शॉर्ट हो जाता है। तो हम इसको पहले इसमें से निकाल लेंगे, उसके बाद देखते हैं कि और कहीं शॉर्टिंग है या नहीं। और इसको हार्ड गन की मदद से ही निकालें, यदि आप इसको सोल्डर आयरन से निकालेंगे तो ये इसकी पिन टूट जाएगी और ट्रैक भी कट जाएंगे और ये निकलेगा नहीं, क्योंकि ये इसके नीचे से ये सोल्ड किया हुआ होता है। और इसके लिए बिना ये हार्ड गन की मदद से नहीं निकलेगा। एक तरीका और है इसको निकालने का, और यदि हार्ड गन आपके पास ना हो फिर भी इसको निकाला जा सकता है, वो तरीका दूसरा है, हम आपको बताएंगे बाद में, फिर किसी वीडियो में जब कमेंट आएगा किसी का तब। तो ये हमारा STR है, ये शॉर्ट जो हमें शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो हम इसको बाहर निकालने के बाद मीटर से चेक करेंगे फिर से, कभी कभी सर्किट और कहीं शॉर्टिंग होती है और तो उस पार्ट से संबंधित जितने भी पार्ट उस सप्लाई में लगे हुए होते हैं वो सभी शॉर्ट बताने लगते हैं। इसके लिए अब इसको हम चेक करेंगे बाहर निकाल के। तो ये हमारा शॉर्ट हो चुका है, ये पूरी तरीके से ख़राब है और ये अब काम नहीं करेगा। तो इसी की वजह से हमारी पूरी पावर सप्लाई बंद हो गई है और जो शॉर्ट सर्किट हो गया है, जो हमारी सीरीज की बल्ब जल रही है। तो ये अक्सर हमें मार्केट में तो मिलता नहीं, तो इसके लिए कोई दूसरा बोर्ड सेम हो और उसमें लगा हो तो उसको निकाल के लगाया जा सकता है, यदि ना हो तो और भी दूसरे तरीके हैं। और ये हम एक दूसरे बोर्ड से निकाले हैं, लेकिन इसका नंबर दूसरा है और उसका नंबर अलग है, ये दोनों का नंबर अलग अलग है, इसके लिए हम इसको इसमें लगाएंगे नहीं। और इसमें हम एक दूसरे सिस्टम से इसको इस सप्लाई को ऑन करेंगे और आपको बताएंगे भी कि ये यदि ये ना मिले तो इसको किस तरह से ऑन किया जा सकता है। तो इसका नंबर बहुत ही हल्का है और दिखाई नहीं दे रहा है, वो मिट गया है।
हम इसको नहीं लगाएंगे और हम इसमें एक 5 वोल्ट का मॉड्यूल लगाएंगे। और जो 5 वोल्ट का मॉड्यूल लगाएंगे उसको हम दूसरी तरीके से लगाएंगे, जो उसमें प्रीसेट ट्यून करने के लिए लगा होता है 12 वोल्ट के। हमको उस प्रीसेट का यूज नहीं करना है, जो उसमें रेगुलेटर है उसको नहीं, जो इस सर्किट में रेगुलेटर बना है हम इसी रेगुलेटर से उसको ऑपरेट करेंगे, ताकि ये हमारा जल्दी ख़राब ना हो। तो अभी हम इसमें एसी सप्लाई दिए हैं और हमारा बल्ब जलना बंद हो गई है। तो हमें मेन फिल्टर पे पहले 300 वोल्ट हमें चेक करना है कि 300 वोल्ट हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस पे 210 वोल्ट आ रहा है, तो ये सप्लाई हमारी कम आ रही है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ये इसी के कारण से हमारा एसटीआर शॉर्ट हो गया होगा। तो इस पर हमें 300 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि 210 वोल्ट मिल रहा है। और इसको चेक करने का एक तरीका और है कि ये हमारा फिल्टर ख़राब है या सही है। इसके लिए हमें एसी सप्लाई को चेक करना पड़ेगा पहले। तो एसी सप्लाई हमारी जितनी आती होगी उससे 100 वोल्ट ज़्यादा हमको डीसी मिलनी चाहिए। तो हमारी एसी 230 से 240 वोल्ट इसमें इनपुट आ रही है, देखिए हम आपको दिखाते हैं। और ये हमारे डीसी जो है 220 वोल्ट आ रही है। तो एसी हमारा 230 से 40 वोल्ट बता रहा है और डीसी हमारा 220 वोल्ट बता रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारा फिल्टर ख़राब है। तो हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद चेक करके फिर से दूसरा लगा के फिर सप्लाई देखते हैं, क्योंकि ये जब यहाँ पर 300 वोल्ट नहीं मिलेगा तो हमारा एसटीआर ख़राब होने का चांस बहुत अधिक हो जाता है। इसके लिए ये सप्लाई ज़रूरी है। ये हमारा 47-450 वोल्ट है और इसमें हम दूसरा लगा देते हैं, इसको चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो कन्फर्म है कि वो ख़राब ही है। उसको चेक करने का भी तरीका है, जो नए लोग हैं उनके लिए हम बता देंगे और जो पुराने हैं उनको तो मालूम ही होगा, उनको हम नहीं बता सकते क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जानकार होंगे। और ये कैपेसिटर हमने लगा लिया है इसमें, और लगाने के बाद हम आपको दिखाते हैं। अब इसमें सप्लाई दे करके देखते हैं या आपको दिखाते हैं कि इसमें 300 वोल्ट सप्लाई हमारी आई कि नहीं। मीटर को 1000 वोल्ट के रेंज में रखेंगे और तभी ये हमारी सप्लाई चेक होगी। देखिए इसमें लगभग 300 वोल्ट के आसपास आ गया है, 290 वोल्ट सप्लाई इसमें बन रही है, जो कि इतना ही इस सप्लाई पे चाहिए। और हमारा एसी वोल्ट देख लीजिए, ये 220 से 225 वोल्ट सप्लाई आ रही है। तो जब तक हमारे फिल्टर पर 300 वोल्ट के आसपास सप्लाई नहीं आएगी तब तक एसटीआर को ना लगाएं। यदि आप एसटीआर को लगा देंगे या किसी मॉड्यूल को लगा देंगे तो वो शॉर्ट हो सकता है। इसके लिए पहले ये सप्लाई हमारी चेक कर लें। और इसमें हम ये जो हमारा 5 से 24 वोल्ट का मॉड्यूल है हम इसको इसमें लगाएँगे, और इसमें जो तार लगे हुए होते हैं रेगुलेटर के लिए, जो प्रीसेट से ट्यून करके सप्लाई 12 वोल्ट की जाती है, हम इसको काट लेते हैं यहाँ से और हम इसको दूसरे तरीके से लगाते हैं। तो जो इसमें हमारे एलसीडी या एलईडी के बोर्ड में जो रेगुलेटर सप्लाई में, पावर सप्लाई में जो रेगुलेटर लगा हुआ होता है, हम उसी रेगुलेटर से इसको ऑन करते हैं। उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, इसका कपलर निकाल करके इसमें उस कपलर की सप्लाई
जो हमारा बोर्ड है उसमें उस कपलर पे इसकी सप्लाई दे देते हैं, तो इससे हमारा वो रेगुलेटर काम करने लगता है जो सर्किट में लगा हुआ होता है, और इस रेगुलेटर से कोई मतलब नहीं रह जाता। इस तरह से लगाने से इसमें ये ख़राब होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, और नहीं तो कभी कभी क्या होता है, इसका रेगुलेटर यदि ख़राब हुआ या फेल हुआ तो हमारा मदरबोर्ड पूरी तरीके से ख़राब कर देगा ये। तो इसके लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, और इसमें एक रेड वायर हमको 300 वोल्ट सप्लाई दे देनी है और ब्लैक वायर को ग्राउंड कर देना है, और वहाँ से कपलर खोल करके इस वाले कपलर में इसकी सप्लाई दे देनी है। इसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ है पहले से, आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं किस तरह से उसको लगाया गया है। फिर भी यदि ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो हम उसका अलग से एक वीडियो बना देंगे। और ये बहुत ही अच्छा काम करता है, और इसमें प्रीसेट ट्यून करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मीटर लगा के उसमें वोल्ट नापें कितना आ रहा है, कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरीके से हम लगाते हैं, इस तरह से लगाने से जिस सेक्शन को जो सप्लाई चाहिए होती है वो अपने आप चालू हो जाती है वो सप्लाई, उसमें कुछ करना नहीं होता है। तो हमने मॉड्यूल को लगा लिया है, और आप सप्लाई चेक करते हैं कि हमारा जो 12 वोल्ट सप्लाई हमारी ऑन होती है या नहीं। और इसको एसी सप्लाई दे करके यहाँ इस डायोड पे 12 वोल्ट सप्लाई, देखिए हमारी 12 वोल्ट सप्लाई हमारी ऑन हो चुकी है, पावर सप्लाई पूरी तरीके से ऑन हो चुकी है, और ये हमारी इन्वर्टर की सप्लाई है, ये भी आ गई है। अब हम इसको टीवी में फिट करेंगे और देखते हैं हमारी स्टैंड बाय एलईडी जल रही है या नहीं, टीवी हमारी ऑन होती है नहीं। तो आप देख सकते हैं हमने इसको लगाया हुआ है यहाँ पर, अच्छे से इसको सोल्ड करके एक जगह इसको फिक्स कर देंगे और ये बहुत अच्छे से काम करेगी, जैसे पहले काम करती थी उसी हिसाब से काम करेगी। बोर्ड को लगाते समय इतना ध्यान रखें कि जो सॉकेट जिस पिन से निकाले हैं उसी में लगाएं, और अल्टी पल्टी ना करें, निकालते समय ध्यान रखें और लगाते समय भी बराबर ध्यान रखें, और लगाने के बाद एक बार फिर से चेक कर लें सबको, सभी वायर को, कि हमने सही जगह लगाया हुआ है कि नहीं, और तभी इसमें मेन सप्लाई दें। हमने इसमें सप्लाई देनी है और देखते हैं हमारा एलईडी ऑन हुआ नहीं। ये हमारा स्टैंड बाय एलईडी जलने लगा, जो पहले डेड था पूरा सेट, और अभी ये ऑन हो गया है। अब हम टीवी को ऑन करेंगे और पहले इसको पूरी तरीके से फिट कर लेते हैं। हमने इसमें एसी सप्लाई दे दिया है, और ये देखिए हमारा एलईडी बल्ब जल रहा है, और
हमने इसको ऑन कर दिया, ये देखिए हमारा टीवी पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। तो इस तरह से जब भी आपकी किसी भी पावर सप्लाई में ये एसटीआर ख़राब हो, आप इसको ऑन कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।